प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। भाजपा की टीएमसी नेताओं को सलाह, असुविधा हुई तो ममता बनर्जी आपको भी छोड़ देंगी। एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर पंकजा मुंडे ने अलापा बगावती राग, कहा मुझे योग्य नहीं समझा। आसमान में उड़ती स्पाइस जेट की फ्लाइट में टपकने लगा पानी, मुंबई से जबलपुर आ रहा था प्लेन, एयर होस्टेस ने अनसुनी कर दी पैसेंजर की कंप्लेन। हाथीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा पानी, जलस्तर 2.25 लाख क्यूसेक पार, 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी, हरियाणा यूपी की नहरें बंद। हिमाचल में भारी बरसात से तबाही, कुल्लू जिले में बादल फटने से महिला बच्ची की मौत, गाड़ियां मलबे में दबी, पड़ो डैम के सारे गेट खुले। बिहार में 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल विस्तार, उपराष्ट्रपति बनने के दावे को नीतीश ने बताया जोक, बोले इससे इशारे पर क्या हुआ सब जानते हैं। दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी, लालू यादव और राहुल गांधी से मंत्रिमंडल विस्तार पर लेंगे राय। देश में एक दिन में कोरोना के 16,561 नए केस आए सामने, संक्रमण दर बढ़कर 5.44%। रायगढ़ में मालगाड़ी और रेल इंजन की जोरदार टक्कर, ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे, यातायात बाधित। बागियों को अकाली दल का जवाब, सुखबीर बादल प्रधान हैं और रहेंगे, पार्टी फोरम के बाहर बातें करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, बांदीपोरा में आतंकियों ने बिहारी मजदूर को गोली मारी, इलाज के दौरान मौत। गुजरात के जामनगर के होटल एलेंटो में लगी आग, 27 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 2 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 3 अस्पताल में भर्ती। गौ तस्करी मामले में टीएमसी नेता गिरफ्तार, सीबीआई बोली जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे अनुव्रत मंडल, वीरभूमि हिंसा में भी आयतना। गुजरात के आणंद में कांग्रेस विधायक की तेज रफ्तार कार ने बाइक और ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 6 की मौत। फ्री स्कीम पर सीजेआई ने सुनाई ससुर की कहानी, जस्टिस रमना बोले सरकार में आने के लिए अवैध को वैध कर देती है राजनीतिक पार्टियां। यूपी पुलिस की 1190 टीमें करेंगी तिरंगा मार्च, स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस सुनाएगी शौर्य गाथा, ऐतिहासिक स्थानों पर बैंड डिस्प्ले। नरसिंहानंद गिरी बोले तिरंगे का बहिष्कार करो, हर घर तिरंगा अभियान पर कहा इस तिरंगे ने हिंदुओं को बर्बाद किया, भगवा ध्वज लहराएंगे। फिरोजाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव पर हुई मैराथन, 5 किलोमीटर लंबी रेस में एसएसपी के साथ दौड़ी पुलिस, 17 अगस्त तक होंगे विभिन्न आयोजन।
MP5 गन से की थी दनादन फायरिंग। दो हिरासत में 2014 का है वायरल वीडियो। आर्मी के कैप्टन दोस्त की मदद से गोली चलाई थी। रामपुर में फिर मिला आईएसआईएस का धमकी भरा खत। एएसपी ने हैंडराइटिंग का मिलान कर परिवार के एक युवक को लिया हिरासत में। आगरा में भतीजे ने चाची के चाकू से गोद कर हत्या की। खाना देने गई थी कमरे में बनाया बंधक। पत्नी को मायके भेजने से था नाराज। औरैया जिला प्रशासन ने किया मैराथन दौड़ का आयोजन। अमृत महोत्सव के अवसर पर फहराया जा रहा तिरंगा। डीएम एसपी के साथ लोगों ने लगाई दौड़। लखनऊ के चिनहट में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या। खाली प्लॉट में मिला शव। शिनाख्त का प्रयास। सीयूईटी की परीक्षा केंद्र के हॉल में एंट्री नहीं। सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद। पहले भी बढ़ चुकी है परीक्षा की तारीख। सुर्खियों में गाजीपुर का बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग CTPO की व्हाट्सएप चैटिंग आई सामने। शादी के नाम पर आंगनबाड़ियों से की गई वसूली। रक्षाबंधन मनाने गए परिवार के यहां चोरी। कुंडी काट कर लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हुए चोर। बिजनौर में हुई हाफ मैराथन दौड़। अफसरों ने लिया भाग। हाथों में तिरंगा लेकर भागते आई नजर। अंबेडकर नगर में मैराथन दौड़ का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम 5 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कन्नौज में दो पक्षों में हिंसक झड़प। चली गोली। पुराने विवाद को लेकर हुई कहासुनी। चले लाठी डंडे। मोहल्ले में फोर्स तैनात। अयोध्या में सड़क हादसे में श्रद्धालु की मौत। अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किया ट्वीट। कश्मीरी पंडितों का किया समर्थन। लिखा क्या सुरक्षित और बेहतर जीवन भारतीय नागरिक का अधिकार नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस रेफर मरीजों को पहुंचा रहे प्राइवेट अस्पताल। झांसी में एम्बुलेंस से मरीज को किया गया शिफ्ट। 2 दिन में 3 मामले आए सामने। बिजनौर में पुलिस की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। 2 गंभीर घायल। ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों से हुई नोकझोंक। एटा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। साथी फरार। अलग अलग थानों में दर्ज है 20 मुकदमे। गाजियाबाद में हुक्का बार में पुलिस ने की छापेमारी। रेस्टोरेंट की आड़ में हो रहा था संचालन। कई फ्लेवर के तंबाकू और हुक्के किए बरामद। मेरठ में 22 साल की युवती की हत्या। हत्यारों ने गर्दन अलग कर बीच सड़क पर फेंका शव। शहीद भाई की प्रतिमा पर बहन ने बांधी राखी। शामली के अमित कोरी पुलवामा हमले में हुए थे शहीद। बहन बोली बहुत याद आती है उनकी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी बस खाई में गिरी। दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी 22 सवारियां घायल। हमीरपुर तिरंगे के रंग से हुआ सराबोर। हर हाथ, हर घर और हर वाहनों में दिखने लगा तिरंगा। स्वतंत्रता सप्ताह को ऐतिहासिक बनाने की कवायद तेज।
अमरोहा में डिलीवरी के दौरान जच्चा की मौत, सीएचसी में परिजनों ने 3 घंटे तक किया हंगामा, बोले डॉक्टरों की लापरवाही। पंद्रह हजार फीट की ऊंचाई पर बनाया तिरंगा, एडीआरडीई के जाबाजों ने आसमान में बनाया तिरंगा, स्काई डाइवर्स का वीडियो आया सामने। बांदा नाव हादसा, 17 अभी भी लापता, अब तक 3 शव यमुना नदी से निकाले गए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का ऑपरेशन जिंदगी फिर शुरू। मथुरा में लंपे स्किन बीमारी, पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी से बचाव में जुटे मथुरा वेटरनिटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। मेरठ में पति के उत्पीड़न से परेशान पत्नी ने फांसी लगाई, बच्चा ना होने पर ससुराल में किया जाता था परेशान, 16 साल पहले हुई थी शादी। बरेली के डीएम ने कहा स्वतंत्रता सप्ताह तक अफसर नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्ति स्थल को तत्काल साफ कराने के निर्देश। झंडे को लेकर सियासत, प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बोले हरीश रावत, भाजपा कौन होती है देशभक्ति का पैमाना नापने वाली। सीएम धामी ने कहा युवाओं का नहीं होने देंगे, अहित परीक्षाएं कराएंगे, दूसरे आयोग का सहयोग लेने के संकेत। उत्तराखंड के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बड़े स्तर पर किए तबादले, 13 इंस्पेक्टर और 16 दरोगा बदले। जाम छलकाना पड़ा भारी, बॉबी कटारिया पर उत्तराखंड पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मुकदमा, नोटिस भी जारी। हरिद्वार के जिला कारागार में 56 कैदी हेपेटाइटिस पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे दिन भी नहीं दी जानकारी। उत्तराखंड के दून दिल्ली हाईवे पर भयंकर जाम, 7 घंटे फंसी रही घर से राखी बांधने निकली बहनें। उत्तराखंड में अपात्र राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, 3 योजनाओं में कर सकते हैं आवेदन, लेकिन पूरी करनी होंगी कुछ शर्तें। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क पर पलटा टेम्पो ट्रैवलर, चालक सहित 16 यात्री चोटिल। उत्तराखंड में हाथी के हमले में 10 की मौत, उड़ीसा में 130 यानी राज्य के जंगली हाथियों के लिए सुरक्षित। उत्तराखंड में जेब पर बढ़ा एक और बोझ, 66% तक महंगी हुई आयुर्वेदिक दवाई। उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन देरी से जारी करना, ऊर्जा निगम पर पड़ा भारी, लगा करोड़ों का जुर्माना, इंजीनियरों से होगी वसूली। उत्तराखंड के गढ़वाल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, तेज सैलाब में बही 8 दुकानें, 129 सड़कें, 17 स्टेट हाईवे बंद। एक सौ 3 निकायों में कल शाम फहराया जाएगा तिरंगा, मुख्यमंत्री धामी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम पर होमवर्क पूरा, संगठन में कई नए चेहरों को अवसर दिए जाने की चर्चा। देहरादून में गाड़ी खड़ा करने पर हुआ विवाद, हरियाणा निवासी हॉस्टल संचालक ने निकाली पिस्तौल तो लोगों ने पीटा।
ट्रंप के घर पर छापा, न्यूक्लियर पेपर्स के लिए डाला गया टॉनी जर्नल ने खुद साइन किया सर्च वारंट, एफबीआई को रेड में 12 बॉक्स मिले। रूस आतंकवाद का प्रायोजक देश, 19 लाख की आबादी वाले लातविया ने पुतिन से लिया सीधा पंगा। ब्राजील में 10 बंदरों को दिया गया जहर, डब्ल्यूएचओ बोला मंकी पॉक्स फैलने के लिए बंदर जिम्मेदार नहीं, उन्हें न मारें। एक या दो नहीं, कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इमरान खान, हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका की खारिज। ग्वादर के पास डूबा भारत का कार्गो शिप, पाकिस्तानी नौसेना ने 9 भारतीयों को बचाया, एक शव बरामद। सिंगापुर से थाईलैंड पहुंचे राजपक्षे, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को नहीं मिला परमानेंट वीजा, बैंकॉक में भी ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे। काबुल में आत्मघाती हमला, तालिबान के टॉप कमांडर हरिमुल्ला हक्कानी की मौत, आतंकी विचारधारा का बड़ा समर्थक था। कोरोना की लहर में गंभीर रूप से बीमार हो गए थे किंग जोंग उन, बहन ने कहा दक्षिण कोरिया ने फैलाया वायरस, लेंगे बदला। ताइवान से आर पार के मूड में चीन, एक महीने पहले कमीशन हुई महाशक्तिशाली, पनडुब्बी को भी किया तैनात। बाइडेन के बाद अब शी जिनपिंग जाएंगे सऊदी अरब, खाड़ी देशों में अमेरिका की बढ़ती पैठ से चीन बेचैन। जॉनसन का टैलकम बेबी पाउडर बंद होगा, अगले साल से दुनिया में कहीं नहीं बिकेगा, कंपनी ने कहा वो कानूनी लड़ाई से परेशान। टाटा पंच का नया रिकॉर्ड, 10 महीने में 1 लाख बिकने वाली पहली एसयूवी बनी, सेफ्टी के मामले में भी अव्वल, 5 स्टार रेटिंग मिली। एक डिवाइस एक चार्जर, मोबाइल लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो अब चार्जर एक ही होगा, सरकार जल्द लेगी फैसला। महंगा होने वाला है टाटा नमक, सीईओ बोले नमक पर महंगाई का लगातार दबाव, इसलिए कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। एल्यूमिना रिफाइनरी लगाएंगे अडानी, ओडिशा में प्लांट के लिए $5.2 अरब का करेंगे निवेश। भारत में 7.3% आबादी के पास क्रिप्टो करेंसी, दुनिया में 7वें स्थान पर यूक्रेन सबसे आगे। सर्विस चार्ज गाइडलाइन पर हाई कोर्ट के स्टे को सीसीपीए ने दी चुनौती, डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई। श्रीलंका के बाद चीन के निशाने पर अब नेपाल, 15 अरब रुपए का अनुदान देने का किया वादा। बिटकॉइन में हल्की गिरावट के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिख रही मंदी, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ओपनिंग में नुकसान। थाईलैंड क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन में होने जा रहे बदलाव, सेंट्रल बैंक के हाथ आएगी पावर। एशिया कप से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह की चोट गंभीर, टी20 वर्ल्ड कप तक फिट होना मुश्किल, अक्टूबर में होना है टूर्नामेंट।
जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, पूरी तरह फिट घोषित किए गए केएल राहुल, शिखर धवन की जगह होंगे कप्तान। किसी एक फॉर्मेट से संन्यास लेने के सवाल पर भड़के बाबर आजम, पत्रकार से पूछा क्या मैं बूढ़ा दिख रहा। लॉर्ड्स के साथ दिखे अंबानी, पिछवाई दी 100 क्रिकेट लीग में निवेश के कयास, रिलायंस पहले से ही 3 T20 टीमों का मालिक। फ्रांसीसी गोताखोर ने डीप डाइविंग में 7वीं बार तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, समुद्र में 393 फीट की गहराई तक लगाया गोता। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन मुंबई को छोड़ेंगे घरेलू क्रिकेट में, अर्जुन गोवा से खेलेंगे, एमसीए में एनओसी के लिए किया है अप्लाई। लाल सिंह चड्ढा पर भड़का इंग्लैंड का पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर, बोले फिल्म में भारतीय सेना और सिखों का अपमान हुआ। कोहली के पास फॉर्म पाने का अच्छा मौका, पाकिस्तान के खिलाफ T20 में 77 का एवरेज, वनडे की बेस्ट पारी एशिया कप में ही खेली। एशिया कप से पहले रोहित एंड कंपनी का होगा टेस्ट, यूएई में टीम इंडिया का लगेगा 3 दिन का कैंप, 20 अगस्त को टीम होगी रवाना। भारतीय शटलर पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और चिराग शेट्टी का हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। मशहूर कन्नड़ सिंगर शिवमोगन सुबन्ना का हार्ट अटैक से निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, सुगम संगीत में बनाई थी पहचान। अदनान सामी ने पहले गाने पर की बात, बोले लिफ्ट करा दे गाने के वक्त, मुझे वाकई लिफ्ट की जरूरत थी। ब्रह्मास्त्र से लीक हुआ शाहरुख खान का लुकिंग, खान दिखे वानरास्त्र के रूप में, आग से खेलते आए नजर। लाल सिंह चड्ढा के गाने के नए वर्जन का वीडियो वायरल, आमिर की फिल्म के गाने तेरे हवाले का शिल्पा राव ने अकॉस्टिक वर्जन बनाया। पटौदी हाउस में सेलिब्रेट हुआ रक्षाबंधन, सैफ करीना के बेटे ने कजिन इनाया के साथ मनाया राखी का त्योहार। सारा का ग्लैमरस लुक, शिमरी आउटफिट में सारा अली खान ने दिए स्टनिंग पोज, शेयर किया वीडियो। पायरेसी का शिकार हुई आमिर खान की फिल्म, रिलीज के कुछ घंटे बाद ही ऑनलाइन लीक हुआ लाल सिंह चड्ढा का फुल HD वर्जन। स्वतंत्रता दिवस से पहले इंडियन नेवी में मिले सलमान, जवानों के साथ बनाई रोटियां, पशु एप्स पुशअप्स लगाए और तिरंगा भी फहराया। अल्लू अर्जुन ने ठुकराया शराब कंपनी का एड, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 10 करोड़ की फीस हुई थी ऑफर, तंबाकू कंपनी को भी कर चुके हैं मना। अदा शर्मा ने ऑटो वाले भैया को बांधी राखी, बोली इन्हीं की वजह से मुंबई में देर रात सेफ ट्रैवल करती हूं। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।